तो दोस्तों रेलवे ने रिवाइज नोटिफिकेशन जारी की है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, आज उन्हीं संशोधन की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल पे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती है सबसे पहले। तो दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं अपना जो पहला जो अपडेट आया है रेलवे की तरफ से, तो वो ये है कि जो रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म हैं उसमें जो लास्ट डेट थी उसको चेंज कर दिया गया है। अब जो लास्ट डेट हो गई वो हो गई 31/3/2018, यानी कि लास्ट डेट में जो है वो परिवर्तन कर दिया गया है, लास्ट डेट दी गई है आवेदन करने की, ठीक है। तो आप 31 मार्च तक जो है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें संशोधन किया गया उम्र को लेकर, उम्र जो है 18 से 33 वर्ष कर दी गई है। सामान्य श्रेणी वाले जो हैं 18 से 33 की उम्र में जो लोग होंगे वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो अधिकतम आयु सीमा जो पहले 31 थी उसको 33 कर दिया गया है, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से ओबीसी के लिए जहाँ पहले 34 वर्ष थी उसको बढ़ा के 36 वर्ष कर दिया गया है, और SC ST के लिए जहाँ पहले 36 वर्ष थी उसको बढ़ा के 38 वर्ष कर दिया गया है। तो SC ST जो कैटेगरी के होंगे, जो OBC कैटेगरी के होंगे, ठीक है, उनके आयु सीमा में भी संशोधन कर दिया गया है, ठीक है। तो जो अधिकतम आयु सीमा थी उसमें 2-2 वर्ष बढ़ा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो संशोधन किया गया है वो संशोधन किया गया है आपको फीस को लेके, आप ग्रीन कलर की उसमें देख पा रहे हैं बॉक्स में, ₹500 जनरल कैटेगरी की और OBC कैटेगरी की फ़ीस थी उसको अब घटा दिया गया है और मात्र ₹100 फीस कर दी गई है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ₹500 फॉर्म दे दिए हैं, ठीक है, उनके लिए अभी जल्दी ही जो रेलवे की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सॉरी माफ़ करिएगा, जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर कुछ दिनों बाद ही जो है आपको 1-2 दिन में आपको एक नया लिंक मिलेगा। उसमें आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी होगी। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम के बाद जो है आपका ₹400 रिफंड हो जाएगा। जिन लोगों ने ₹500 दिया है उनके ₹400 होंगे, ठीक है, और जिन्होंने ₹250 दिया है उनके सारे के सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। जो बैंक चार्जेस हैं वो कट के जितना पैसा बचेगा आपका सब, यानी कि जो SC ST कैटेगरी के हैं, एक्स सर्विस मैन है, PWDs हैं, फीमेल्स हैं, इन सभी लोगों के लिए जो फीस है वो 0 कर दी गई है, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए ₹100, ठीक है। याद रखिए जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है उनकी फ़ीस तभी रिफंड होगी जब वो एग्ज़ाम देंगे, यानी कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम नहीं देंगे उनका पैसा जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो आपको ये पैसा रिफ़ंड चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपने फॉर्म भर लिया है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अगर आप SBI के चालान से करते हैं, ठीक है, ब्रांच चालान से, तो 28 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म चालान बनाने की, और जो ऑफिस पोस्ट ऑफिस से चालान बनाना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट जो है वो है 27, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो परिवर्तन किया गया है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके किया गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बता देना चाहूँगा कि जो ये खास जो कैटेगरी के हैं, जो खास रेलवे बोर्ड्स के लिए भर रहे हैं, अहमदाबाद बोर्ड के लिए, अजमेर के लिए, इलाहाबाद के लिए, बैंगलोर के लिए, भोपाल, भुवनेश्वर आप पढ़ सकते हैं, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, इन सब के लिए भर रहे हैं। उन वो जो है इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश के अलावा बेसिकली असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, इन सभी भाषाओं में जो है पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम की लैंग्वेज जो है उनकी ये हो सकती है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन की बात मैं कर रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 14वें नंबर पे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जहाँ पहले 10+ ITI थी वहाँ पर अभी सिर्फ 10th कर दिया गया है। अगर आप 10th हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने ITI किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट यानी कि इसके समकक्ष आगे प्रकाश कोई योग्यता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। पहले सिर्फ 10th और ITI था तो इसलिए बहुत से बच्चों को दिक्कत थी क्योंकि लोगों के पास ITI नहीं था। तो आप जो सिर्फ 10th वाले हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं सभी पोस्टों के लिए, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण संशोधन है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जो रेलवे की तरफ से संशोधन किए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप हस्ताक्षर अगर उसमें करना चाहते हैं तो आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा भी किसी भी और लैंग्वेज में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने दे रखा है ये हेल्पर इलेक्ट्रिकल, हेल्पर जो इलेक्ट्रिकल का ही हैं, हेल्पर सिविल और वर्कर्स, ये सभी के लिए जो है आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 10th आपके पास है, तो 10th होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए, ठीक है, या फिर इसी तरीके से नेशनल अपेंडिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इस फॉर्म को भरने वाले लोगों के लिए जो कि इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों बस ये
कुछ चीज़ें थी जो इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो थोड़ा बहुत फिजिकल में है ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने वेब जो है इस वेब ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो मेन मेन चीज़ें थी, लास्ट डेट, एज सीमा में वृद्धि और जो फीस है उसका रिफंड, ठीक है, साथ ही साथ जो आप पेपर दे सकते हैं उनकी लैंग्वेज में परिवर्तन, ठीक है, और क्वालिफिकेशन में परिवर्तन, तो यही सब परिवर्तन है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहें हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच।